आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट इन द गेमिंग में। मैं हूँ AK22 और हम खेल रहे हैं स्काई फैक्ट्री 3। और पिछले भाग में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बना ली थी, और चलिए इस भाग को हम वापस स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, इस भाग में हमने बनाना है एक कॉबलस्टोन जनरेटर, और उसके लिए हमको चाहिए लावा और पानी। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर पानी गिरा था जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था इसे, तो यहाँ पर काफ़ी कंटेनर्स हैं वो भरा गए हैं, तो ऐसे आप पानी भर सकते हैं इसमें। मैंने सीड्स इकट्ठे करे हैं काफ़ी सारे, ये देखिए, कॉफ़ी कैरेट मेलन ग्रास कैनॉल फ्लैक्स बीटरूट राइस पम्पकिन ग्रास सीड शुगर केन पोटैटो ओक कैशिया सिल्कवर्म डार्क ओक सीड एंड दिस इज मैनरियल बेरीज। और ये मुझे मिला है जब मैंने डर्ट को छाना था, उसके बाद मेरे को मैनरियल सैपलिंग्स मिली थी। और एक अच्छी चीज़ यह है कि इससे आप टॉर्च बना सकते हैं, ये जो सैपलिंग्स है बेरीज से इसमें फल लगते हैं, उससे आप टॉर्चेस बना सकते हैं। देखिए, इजी पीजी, ये लीजिए, यहाँ पर रखिए और इसको ऊपर लगाइए, और ये बन गई आपकी मैनरियल टॉर्च। नाइस, तो ऐसे आप बना सकते हैं। मैंने देखिए पहले ही लगा के रखी है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ है, एक यहाँ है, और इसका लाइट सोर्स काफ़ी अच्छा है। मैंने टॉर्च जो डिफ़ॉल्ट टॉर्च है उसके जितना ही है लगभग। ओके, एक यहाँ पर लगा देते हैं, गुड। ओके, तो चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं। हमें बनाना है कॉबलस्टोन जनरेटर, और उसके लिए चाहिए हमको लावा। और लावा बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना रहता है। सबसे पहले तो आपको क्रूसिबल बनाना है, क्रूसिबल लेने कंटेनर होता है CRU, और ये वाला है वो क्रूसिबल। और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए है ये है प्रोक्लीन क्ले। और ये कैसे बनाते हैं, देखिए, हमने पिछले भाग में क्ले इकट्ठा कर लिया था, और क्ले हमारा है ये रहा। अगर आपको दिस ठीक है, और प्रोक्लीन क्ले बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सीधे जाइए आप आपके क्राफ्टिंग टेबल में, क्ले रखिए और उसमें बोन मील मिलाइए, ये बन गया आपका प्रोक्लीन क्ले। तो इसे हम कलेक्ट करते हैं, हमको साथ ही चाहिए, इसलिए मैंने साथ जमा करके रखे थे। ओके, तो आप ऐसे रखिए, ऐसे रखिए साथ, और प्रोक्लीन क्ले, तो आपका एक बनता है क्रूसिबल। अनफायर्ड है ये, पका हुआ नहीं है, कच्चा है कह सकते हैं इसे। तो इसे अभी हमको पकाना है, और पकाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इसे इसमें रखिए, हम मेरे पास कोल है, ये देखिए ये क्रूसिबल है, और ये देखिए अब तैयार हो जाएगा ये। और एक और चीज़ कि मुझे का बकेट बनानी है ताकि मैं पानी ले सकूं और लावा जिसमें मैं खट्टा करूंगा, तो उसके लिए हमारे पास क्ले है, और क्ले को आप जैसे ही ऐसे जमाते हैं वैसे आपको मिलता है अनफायर्ड क्ले बकेट, और इससे आप वो भी बना सकते हैं आपका शेयर, पर अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने बना लिया है एक बकेट, ये लीजिए, ठीक है। और ये तैयार हो गया, और हमें इसे भी पकाना है, इसे भी इसमें डाल देते हैं, तो ये भी पक जाएगा। और ये आ गया हमारा क्रूसिबल एक, जिसमें हम लावा जनरेट करेंगे कॉबलस्टोन्स की मदद से। तो मुझे देखिए, यहाँ पर मैंने जब डर्ट छाना था, बहुत सारा डर्ट छाना है मैंने, और उसमें मुझे एंडेसाइट ग्रेनाइट और डियोराइट मिला है, और इससे मैंने इतने सारे ब्लॉक्स बनाए हैं, ये देखिए। और मुझे उसके साथ पेबल्स भी मिलते हैं, स्टोन पेबल्स, तो वो भी मैंने बना लिए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा इसके लिए, क्रूसिबल के लिए, और उसे मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा, क्योंकि मैं वुड पे रिस्क नहीं लेना चाहूंगा इसे बनाने का, कॉबलस्टोन जनरेटर को। अगर कहीं से भी एक बग भी आ गया और कहीं से फायर पकड़ लिया, तो हमारा पूरा स्काई फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगा, तो इसे दूर ही रखेंगे हम। तो ये हमारा हो गया ग्रेनाइट का, गुड। तो मैं थोड़ा पैटर्न दे देता हूँ इसमें, ओके
ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें टॉर्च लगानी है। तो सबसे पहले टॉर्च हमारे पास है एक, ठीक है, और पहले आप ओके, हम यहाँ टॉर्च लगा देते हैं एक। ये लीजिए, हमने टॉर्च लगा दी और आसपास दो ब्लॉक्स रखिए और उसके ऊपर ये रखिए आपका कंटेनर। व्हाट, ओ शिट, ठीक है, ओके, तो इसे हम तोड़ते हैं। हमारे पास पिकैक्स है नहीं है, इससे और ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। और इसके नीचे लगाइए आप आपका ये टॉर्च ऐसे, और फिर इसमें आपको डालना है कॉबलस्टोन। तो मैं यहाँ पर एक डॉट बॉक्स लगा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये बन गया है हमारा क्रूसिबल, और इसके अंदर आप डालिए आपके कॉबलस्टोन्स। ये देखिए, जैसे मैं इसमें कॉबल, ओह शिट, ओके, और ये फिलअप हो जाएगा। चार कॉबलस्टोन शायद काफ़ी रहते हैं इसको। अब ये देखिए धीरे धीरे नीचे जा रहा है और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक लावा सोर्स में, सोर्स तो नहीं, लावा में मोल्ड, यानी कि पिघल के ये लावा में कन्वर्ट हो जाता है कॉबलस्टोन जो है। चलिए ये तो हो गया हमारा, अब हमें थोड़े एप्पल चाहिए। ओके, एप्पल्स हमारे पास पड़े हुए हैं तो थोड़े एप्पल खा लेते हैं हम, ताकि हमारा जो हंगर बार है वो थोड़ा कम हो जाए। ओके ठीक है, तो मैं पेबल्स हैं मेरे पास अभी ग्रेनाइट के, ओके, तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, थोड़ी और बॉक्स ब्लॉक्स बना लेता हूँ, इससे मेरे जो कॉबल स्टोन्स है वो बच जाएंगे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ये आ गया हमारे पास, ग्रेवल है, गुड, इतने काफ़ी हैं। चलिए वो तैयार हो रहा है, तो मैं इसके आसपास थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ प्लेटफॉर्म। ओके, गुड, ठीक है, तो ये देखिए धीरे धीरे हो रहा है, इसके पूरे सॉलिड कॉबलस्टोन है वो पिघल के लिक्विड लावा में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए वो जब तक हो रहा है, जब तक हम एक और हमारे अचीवमेंट गाइड है उसको देख लेते हैं फटाफट से। ओके, तो हमने हमारे अचीवमेंट्स जो चैलेंजेस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं काफ़ी सारे। हमें एक टिंकर्स कंस्ट्रक्ट टूल्स बनाने हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाने, और उससे फिर हमको बनाना है बोन और फ्लिंट का कोई सा भी टूल, और क्राफ्ट एंड कुक क्रूसिबल हमने बना लिया है, हीट अ क्रूसिबल विद अ टॉर्च एंड इंसर्ट स्टोन्स और कॉबल्स टू मेक लावा। ओके, ये भी हो गया है, बिल्ड अ कॉबलस्टोन जनरेटर, ये हमारा लास्ट है। तो हम बनाते हैं टिंकर्स कंस्ट्रक्ट टूल्स। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए और अट टिंकर डालिए। ओके, तो ये है टिंकर्स टूल्स, समय स्टैंसिल टेबल चाहिए है और पार्ट बिल्डर चाहिए है, और कहाँ गया, टूल स्टेशन चाहिए। तो चलिए हम स्टेंसिल टेबल, चलिए मुझे मालूम तो है, और हमें चाहिए है ब्लैंक पैटर्न्स, और इसके लिए ऐसे बनाते हैं इसे, ठीक है, तो हमें चाहिए, ओके, काफ़ी होंगे मे बी, ऑल राइटी। तो सबसे पहले एक हम वर्क स्टेशन बनाते हैं, ये बन गया, और उसके बाद हमें इसे कितने बनाए, और ब्लैंक पैटर्न चाहिए, हमारे पास स्टोन सभी इतने ही है, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको इससे बनाना है, एक तो स्टेंसिल टेबल बनानी है, स्टेंसिल टेबल बनाने के लिए आपको चाहिए रहता है ब्लैंक पैटर्न और एक ओक वुड, और ऐसे बनता है आपका स्टेंसिल टेबल। और उसके बाद हमें चाहिए पार्ट बिल्डर, और पार्ट बिल्डर बनाने के लिए आपको ऊपर एक और ब्लैंक वुड चाहिए नीचे। ओके, ये हमारा बन गया, इसको मैं लाइन से जमा देता हूँ, पार्ट बिल्डर, स्टेंसिल टेबल, और क्या है, कहाँ गया वो, दिस वन, टूल स्टेशन। ओके, टूल स्टेशन के लिए आपको क्राफ्टिंग टेबल या क्राफ्टिंग स्टेशन चाहिए रहता है, ऊपर पैटर्न लगाइए,
और ये आपका आ गया आपका टूल स्टेशन। और हमें चाहिए है एक पैटर्न चेस्ट, पैटर्न चेस्ट के लिए बीच में एक पैटर्न लगाना पड़ता है, और आसपास प्लैंक्स, और ये आ गया है हमारा पैटर्न चेस्ट। नाइस, एक और चीज़ छूट रही है क्या? चार होनी चाहिए, एक और क्या है? टूल स्टेशन, पार्ट बिल्डर, स्टेंसिल टेबल, आई थिंक यही है चार। ओके, मे बी, ठीक है, चलिए हमारे पास ये आ चुके हैं चारों। और ये रहा, हम एक स्टेशन बना लेते हैं वापस। गुड, चलिए ये हमारा तैयार हो गया है, तो इसे हम लगाते हैं हमारे स्टेशन को इस तरफ, इस कोने में। तो सबसे पहले हम रखते हैं यहाँ पर एक वर्किंग स्टेशन, उसके बाद पार्ट बिल्डर, ओके, पार्ट बिल्डर, टूल स्टेशन एंड स्टेंसिल स्टेशन, स्टेंसिल टेबल आई गेस। ये देखिए, ये जुड़ चुके हैं चारों आपस में, टूल स्टेशन भी आ गया है आपका, पार्ट बिल्डर भी आ गया है, और हमारे पास अब बच रहा है पैटर्न चेस्ट, हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो इसको कैसे बनाते हैं? हमें थोड़े फ्लिंट चाहिए, ताकि हम फ्लिंट से, अभी क्योंकि हमारे पास बोन नहीं है इसलिए हमको फ्लिंट चाहिए रहेंगे। तो फ्लिंट मैं इकट्ठा करता हूँ और वापस आता हूँ, और फिर हम हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गो। ऑलराइट, ये तो हमने फ्लिंट है वो इकट्ठा कर लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है टिंकर कंस्ट्रक्ट, और इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लैंक पैटर्न चाहिए, और हम यूज़ करेंगे स्टेंसिल टेबल। अगर हम किसी भी चीज़ का स्टेंसिल लेना है तो वो ले सकते हैं। तो हमें बनाना है एक हैचेट, और यानी कि एक्स कह सकते हैं आप उसे, फ्लिंट हेड, फ्लिंट एक्स हेड बनाना है हमको। तो उसका चाहिए हमें, तो वो पहले आप यहाँ पर रखिए, और जिस भी चीज़ का, जैसे ये वाला है तो इसका प्रिंट स्टेंसिल यहाँ पर निकल के आ जाता है ऐसे। और मैंने जो रॉड है इसकी, उसका तो निकाल लिया है पहले, अब हमको चाहिए क्या कहते हैं इसे, बाइंडिंग पैटर्न, जो उसको बांधता है, ये वाला कह सकते हैं आप, फ्लिंट बाइंडिंग। तो इसके लिए हमने ये वाला लेना है, और ये हो गया हमारे तीन पैटर्न, इससे हम एक एक्स बना सकते हैं। तो चलिए, स्टेंसिल हो गया है हमारा, अब हमें पार्ट्स कहाँ गया वो, अब हमें पार्ट्स बनाना है। तो यहाँ पर रखिए आपका जो भी आपको बनाना है, ये देखिए बाइंडिंग, फ्लिंट बाइंडिंग हो गई है, और यहाँ पर ये बताता है उसकी ड्यूरेबिलिटी, माइनिंग लेवल आयन का है, माइनिंग स्पीड है 5, अटैक 2.9 है, हैंडल और सारी चीज़ें डिटेल्स बताते जाता है ये। तो हमारा फ्लिंट बाइंडिंग आ गया है, अब हमें चाहिए हेड, और हेड के लिए फ्लिंट लीजिए, और वेट, एक और फ्लिंट, दो फ्लिंट, और ये आ गया हमारा हेड। अब हमें चाहिए है रॉड, गुड, और ये आ गई हमारी टूल रॉड। और ये देखिए, तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास, अब हमें स्टेशन पे जाना है। कहाँ गया वो? ओके, तो हमें बनाना है ये हैचेट, और इसके लिए आपको चाहिए, इसे यहाँ रखिए, फ्लिंट रॉड और फ्लिंट बाइंडिंग और फ्लिंट हेड, ये हमने रख दिया, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, और ये आ गया हमारा फ्लिंट हैचेट। ऑलराइटी, तो ये है हमारा फ्लिंट हैचेट, जो ऐसा दिखता है। यस, कम ऑन, कम ऑन। ओके, तो हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया है, अचीवमेंट वुड एज का इको टिंकन कंस्ट्रक्ट। टूल्स बनाने हमको बोन से या फिर फ्लिंट से, फ्लिंट से हमने बना लिया है, तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमको बनाना है हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर, लेट्स डू दिस। तो इसको तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, हमारे पैटर्न्स हैं जितने भी, तो ये आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, एक यहीं पर छूट गया है। ओके, ओके, नाइस, ठीक है। तो हमें चाहिए है, अब हमारे पास एक क्ले बकेट, हमें पिकैक्स चाहिए है, और बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं मैं इसमें डाल देता हूँ, और लॉक्स, ओके, फ्लिंट भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ओके, ऑलराइटी। तो हमारे पास सफिशिएंट कॉबलस्टोन्स, चलिए ये ले लेते हैं, ये काम आएंगे अब वहाँ पर। और कुछ है? पेबल्स लेने थे मुझे,
ये सारे, और मैं इन्हें बना लेता हूँ। वाह ओके, तो हम ग्रेनाइट बना लेते हैं पहले। ये ब्लॉक्स काम आएंगे हमें, फालतू हमारे कबल स्टोन्स हैं वो बर्बाद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम इसका ओके ड्योराइट आ गया है, गुड, बाकी बचा है ना सिर्फ। साइड ये भी आ गया है, गुड। ऑलराइटी, तो चलिए चलते हैं। और देखिए हमारे पास क्ले बकेट है और इसमें लावा फिल हो चुका होगा। ये देखिए ये पूरा ऊपर तक नहीं होता है, और जैसे आप इसमें ये डालेंगे बकेट तो आपका जो बकेट है वो लावा से भर चुका है। नॉइस, और इसे आपको वापस रिफिल करना है तो इसमें आप कॉबल स्टोन डाल दीजिए भर कर उसको पूरा। तो ये यहाँ पर हो गया है। अब मैं कॉबल स्टोन जनरेटर बनाते हैं हम, तो उसको बनाएंगे हम यहाँ पर। ओके ये लीजिए, ये हो गया है, इसे यहाँ से तोड़ता हूँ मैं हमें, गुड। तो 1, 2 एंड 3, 4 ठीक है इतना, पर दो लगाएं इस तरफ एक और, गुड, ये बन गया इस तरफ का। और अब इस तरफ हम इसे लगा देते हैं, ठीक है। अब ओके 1, 2, 3, 4 यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है, गुड। और अब हम डालते हैं यहाँ पर लावा, लावा लावा डालिए आप यहाँ पर। ओह शिट, हमारा बकेट टूट गया है, गॉड डैंग इट। कोई बात नहीं, चलिए हमारे पास आयरन और पीसेस काफ़ी सारे आ चुके हैं, तो हम एक आयरन और का बकेट बना सकते हैं। और चंक, ओप्स, आयरन ही है ना, आयरन ही, आयरन ही है, तीन आ गए, ऑलराइट गुड। देखें इसे एक बन जाएगा हमारा मुझे लगता है। लेट्स सी, मैंने डस्ट कलेक्ट करा था पर उससे मुझे डस्ट नहीं मिला, काफ़ी डस्ट माइन करा था। ओके एक आयरन इग्नेट आ गया है हमारे पास, तीन आ जाएंगे। और ऐसे आप बना सकते हैं, देखिए आपके आयरन इग्नेट, बस आपको क्या करना है, जैसे हमें गोल्ड चाहिए तो गोल्ड लीजिए और उसे इस पैटर्न में जमाइए चार के, तो इसका जो और पीसेस हैं उससे और बन जाएगा, चंक बन जाएगा। और चंक ले जाके आप सीधे डालिए आपके फर्नेस में, आपके फर्नेस से आपको मिलेगा इग्निट। और ये इग्निट आ गया हमारे पास, अब हम बना सकते हैं। मुझे काफ़ी सारे वर्किंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, इधर उधर दौड़ लगानी पड़ती है। ये देखिए आ गया हमारा आयरन बकेट, द इनविंसिबल आयरन बकेट। ओके तो अब इसमें आग बची है थोड़ी सी, तो हम हमारा गोल्ड और चंक डाल दिया है, अब हमारा आयरन गोल्ड इग्नेट भी आ जाएगा। ओके तब तक के लिए हम हमारा काम जारी रखते हैं। चलिए हमने वहाँ लावा डाल दिया है, अब हमको ले जाना है पानी, और पानी हम रखेंगे यहाँ पर, गुड गुड। ऑलराइट तो ये हो गया है, अब हम इसे हटाते हैं। वाला हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर बन चुका है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेटेजी से काम लेना पड़ेगा, और इसे हटाते हैं यहाँ पर ताकि हम आसानी से कॉबलस्टोन्स कलेक्ट कर सकें। ओके तो चलिए हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर बन चुका है, और हमने वुड एज जो है वो कंप्लीट कर ली है, गुड गुड गुड, नाइस। और बिल्ड अ कॉबलस्टोन जनरेटर कंप्लीटेड, देखिए हमने सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं इसमें। और अब आ गए हम स्टोन एज में, मेक अ डार्क रूम 25 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम योर बेस फॉर स्पॉनिंग मॉब्स एंड ऑब्टेनिंग लूट। ऑलराइटी तो हमें अब बनानी है मॉब बेस, एंड मेक अ फील्ड ऑफ ग्रास 25 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम योर बेस फॉर स्पॉनिंग एनिमल्स, बिल्ड अ सेकेंड लेयर ऑफ योर आइलैंड बी बिलो द लेवल यू स्टार्टेड फ्रॉम। ओके
हमें सेकंड लेयर भी बनानी है हमारे आइलैंड की. मेक ऑब्सीडियन विद अ स्टोन बैरल. ओके. मेक अ टिंकर कंस्ट्रक्ट सिमेटरी स्मेल्टरी फॉर प्रोसेसिंग ओर. ओके. अपग्रेड एन एक्सिस्टिंग टिंकर टूल विद एन मेटल पार्ट. चलिए कितने हैं, चलिए ज़्यादा नहीं है, 6, 6, 7, 8 नौ चैलेंजेस हैं इसमें, फिर हम फार्मिंग एज में जाएंगे. ऑलराइटी, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं इस भाग में और कुछ नई चीज़ें मिली है. देखिए मैंने यहाँ पर और रखा था तो वो हो गया है गोल्ड ओर, और मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें और हैं तो उसके भी हम बना लेते हैं. मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, फिर हम इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करेंगे और हमारी अगले भाग में हम जाएंगे हमारी स्टोन एज में. ओके. तो क्या क्या बना सकते हैं हम. निकल ओर आ गया है हमारे पास, गुड. नॉइस. सिल्वर ओर इतना नहीं है हमारे पास. है क्या है ये, लेड ओर. लेड भी आ गया है. और है हमारे पास कॉपर. उप्सी, कॉपर आ गया है. एल्यूमिनियम, मोस्ट फेवरेट, माय मोस्ट फेवरेट. ओके. तो इतने सारी चीज़ें आ गई है हमारे पास. कोयला भी आ गया है. ओके. तो फटाफट से डालते हैं और इसमें कोयला डालते हैं और ये पक जाएगा. और देखिए रेन वाटर में यहाँ पर हमारा पानी भी इकट्ठा हो चुका है. हमने एक अल्टीमेट आयन बकेट बना ली है. तो अब हमें मिट्टी के बकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑलराइटी, ठीक है. तो इतना हमने कर लिया है. अब हम जाएंगे अगले भाग में स्टोन एज में और वहाँ पर देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं. हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैं पहले से करके रखूँगा क्योंकि स्टोन एज थोड़ी बोरिंग हो जाएगी. ये देखिए हमारा आ गया है निकल. अब हम लेड कर लेते हैं इसमें और फिर डालेंगे हम कॉपर और एल्यूमिनियम. ये हमारा आ गया लेड, एल्यूमिनियम और ये इनके कलर्स हैं. देखिए नाइस शेड्स आ जाओ. एल्यूमिनियम इग्नेट. अब हमको चाहिए कॉपर एल्यूमिनियम. ठीक है गुड. और हमारे ओर्स यहाँ हैं तो मैं इसमें ही डक रख देता हूँ सभी को. गुड. ऑलराइटी, ठीक है. मुझे लैपिस भी मिला है, मैंने ग्रेवल छाना था उससे. गन पाउडर भी मिला है, क्रश्ड ब्लैक क्वार्ट्ज भी मिला है. मिट्टी मैंने डस्ट छाना है, डर्ट छाना है, सैंड छानी है और ग्रेवल छाना है, तो उससे मुझे ये सब चीज़ मिली है. ऑलराइटी, तो हमारे पास ये देखिए आ गया है हमारा कॉपर इग्निट. ओके. तो मैं आपको डिफरेंट सीड्स बता देता हूँ जो हम फार्मिंग करेंगे. फार्मिंग एज में जाएंगे तो हम फिर ये लगाना शुरू करेंगे उसमें. तो अब है हमारी स्टोन एज. तो मैं पहले से प्रिपेयर करके आऊँगा सारी चीज़ें और फिर हम फटाफट से लास्ट एपिसोड में ही हमारा जो स्टोन एज है, यानी कि आने वाले एपिसोड में हम स्टोन एज को ख़त्म कर देंगे हमारी. ऑलराइट, तो चलिए इस भाग में इतना ही. हमने हमारी वुड एज कम्प्लीट कर ली है. हमने एक कॉबल स्टोन जनरेटर बना लिया है और अब मिलूंगा मैं आपसे अगले भाग में. देखते रहिए माइनक्राफ्ट इन दी गेमिंग. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और माइनक्राफ्ट वीडियोज़ देखने के लिए सिर्फ हिंदी में. और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कहिए, अपने मूल्यवान कमेंट्स ज़रूर दीजिए. और मैं स्वप्निल को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ जो मेरा एक सब्सक्राइबर है, मेरा फ्रेंड है, और उसका बर्थडे था. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे स्वप्निल. तो मिलता हूँ मैं आपसे विभाग में. देखते रहिए. बाय बाय, सी यू.